देख खार। अभी मैं खार मार्केट के अंदर एंटर हो रहा हूँ। ये पूरा लेडीज वेयर मेंस वेयर देखिए ना, पूरा होलसेल मार्केट है। सिर्फ होलसेल या रिटेल नहीं, इधर आप चेक कर सकते हैं। और देखिए ये बस आ गई, इसमें तानिया के मालिक है, तानिया ट्रैवल्स। ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक। ये पठानवाड़ी के सबसे ओल्डेस्ट बोटी वाले, ये पठानवाड़ी। यो तो ये अब लेके यहाँ से चल देंगे इसमें फिर। अभी मैं जा रहा हूँ जोगेश्वरी, और अभी रात में कुछ 12:30 हो रहे। फिलहाल सब कुछ चालू है, ये आप चेक कर सकते हैं। यहाँ के क्रिस्पी, यहाँ का सीख, और यहाँ का मालपुआ। भाई जोगेश्वरी आए और जेजे का मालपुआ नहीं खाए तो जोगेश्वरी आए क्यों? ये अभी ये कटेगा। हेलो एवरीवन, तो जिसने कल का व्लॉग नहीं देखा वो आज का देख लेना भाई, अगर आज का भी छूट जाए तो कल का देख लेना। तो आज तो कैसा है कि ज़्यादा काम नहीं है, तो खाली एक पार्सल डालना गुजरात की बस में हिम्मत नगर के लिए, तो वो पार्सल लेना है हमको खार से। तो भाई पहले सबसे पहले खार जाएंगे, खार से पार्सल लेके उसको अंधेरी बस स्टॉप पर डालेंगे, तो वो आगे चल के देखते। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ खार स्टेशन। देखे ऐसा है, अब बोलते धंधा नहीं है, धंधा नहीं है। गोरेगांव स्टेशन, गोरेगांव स्टेशन स्टेशन जाते। देखो मैं तुम लोगों को एक जगह बताता हूँ, अगर रात में बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना है ना, तो ओबेरॉय मॉल के बैक साइड, ओबेरॉय मॉल का बैक डोर है। यहाँ पे तो फिलहाल जोमेटो वाले वगैरह खड़े होते हैं, लेकिन इनकेस अगर किसी को रात में बर्थडे सेलिब्रेट करना है या ग्रुप के साथ करना है ना, तो हम लोग ने यहाँ पे बहुत सारे बर्थडे सेलिब्रेट किए। आप चेक करो हाईवे टच है, यहाँ पे आप ये बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, केक वगैरह ला के जो भी आपकी कार वगैरह से। देखिए ये है गोरेगांव स्टेशन, एक खार। फाइनली खार स्टेशन पहुंच गए, और अभी यहां से ऑटो करेंगे और मार्केट जाएंगे। यहां पे होलसेल मार्केट भी है खार में, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मार्केट, अब यहां से मार्केट जाएंगे। यहां पे ऑटो लगी हुई रहती है और सीधा मार्केट जाएंगे। और देखिए यहां पे पेड़ काट रहे हैं। देखो ये खार एसपी रोड है, और देखिए मैं आपको यहां का होलसेल मार्केट बताता हूं। और मैं आपको ये जो मार्केट दिखाने वाला हूं, ये होलसेल मार्केट है। अगर किसी का स्टोर वगैरह है, किसी को कुछ क्लोथिंग वगैरह चाहिए, या इन फ्यूचर अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ से स्टार्ट वगैरह कर सकते हैं। तो अभी मार्केट चेक करेंगे, बनता है। मार्केट के अंदर एंटर हुए, और देखिए यहाँ पे ना लेडीज़ वेयर भी मिल जाता है, ये पूरा लेडीज़ वेयर मेंस वेयर, ये आप चेक करें ना। और मैं कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ ना, मैंने लोगों से पैसे लिया हूँ, मैं खाली बता रहा हूँ आपको भाई। अगर किसी को कुछ ब्लॉग के थ्रू अगर हेल्प हो जाती है तो अच्छा है, ब्लॉग देख लेना, नहीं होती है तो भी अच्छा है, लाइक वगैरह नहीं मांगूंगा भाई मैं। हाँ ये देखो यहाँ पे भी है, आप चेक कर सकते हैं। ये एमडी का, ये लेडीज का है, फिर अपन वो गली में जाएंगे ना, वो मेंस का है। देखो भाई खड़े, कुछ गिरा के नहीं, कुछ गिरा के नहीं भाई के पास में। देखो ये, लेकिन मैं बता दूँ ये सिर्फ होलसेल या रिटेल नहीं है, रिटेल मारेंगे ना तो फेंक के मारते लोग मुँह पे कपड़े। यहाँ का मसाला डोसा भी खा लेना, थक जाएंगे तो तुम। यहाँ पे भी गली गली में, वो भी आके चेक कर लेना भाई, इतना टाइम नहीं है अभी। अपने को मेन जहाँ जाना है ना, जहाँ तक जो भी मार्केट कवर होगा ना, मैं आपको बताता हूँ, बहुत है। अगर अंदर घूमेंगे ना तो एक दिन कम पड़ जाएगा। महंगे वाले कपड़े होलसेल में भी 400 रुपये मार्जिन होता है इन लोग का, बहुत सारे लोग का, पर्टिकुलर उसका नहीं है भाई। देखो ये सब होलसेल है, देखिए ना पूरा होलसेल मार्केट है खार का, ये आप चेक कर सकते हैं। और ये देखिए ये आकिब, आकिब कलेक्शन, आकिब भाई का शॉर्ट सूट जो चल रहा है ना, ये ज़रा चेक करो गाइस। ये भी गली में, ये देखो फिरौन, फिर यहाँ पे भी है दंगल, और शादाब भाई को तो ऑलमोस्ट सारे लोग जानते ही है। फिर देखो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, ये गली में भी मेन मार्केट है, गली के अंदर भी आ गया। एक गली है, इसके बाजू में एक गली है, लेकिन सबके पास धंधा नहीं है। एक गली में आई एम फैशन करके, जो सरप्लस क्लोथ वगैरह केरला वगैरह में ज़्यादा बिकते ना, हैदराबाद वगैरह में, वो इनके पास से जाते हैं। इधर आप चेक कर सकते हैं,
ये जो डील करते हैं ना सरप्लस क्लोथ में, जैसा ब्रांड वगैरह के देखो, कार्गो वगैरह जो चेक करें ना, तो अगर किसी को इस तरह के, अगर आपके रिटेल शॉप है, आपके कोई फ्रेंड के रिटेल शॉप है, तो ये ब्लॉग उनको भेज देना। यहाँ पे आपको सारे सरप्लस के शॉर्ट्स, कार्गो वगैरह ये सब मिल जाएगी, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है, सब ब्रांड्स के आर्टिकल ये सेल करते हैं, वो भी एकदम लेस प्राइस में, और ये होलसेल है ओनली। हाँ तो भाई मैंने वहाँ से पार्सल ले लिया, बस खाली ये पार्सल मुझे बस में लगाना है, वो बस में मैं चढ़ा दूंगा अभी अंधेरी में, और मैं अभी ऑटो से अंधेरी जा रहा हूँ, और अभी फ़िलहाल हम उस खार रोड में। तो देखिए ये वॉल पे पेंटिंग देखिए ज़रा आप, देखो वो पतंग उड़ाने के लिए बनाया हुआ है संक्रांति के लिए, और देखिए ये, देखो आज तो पूरा वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे हम लोग को खाली मिल गया, नहीं तो यहाँ पे बहुत रश होता। मैं अपनी बस से पहले आ चुका हूँ, जो बस में हमको ये पार्सल डालना है, और देखिए यहाँ पे पहले से बहुत पब्लिक बैठी है। भाई देखो ये बस आ गई, इसमें ही हमको डालना है ये तानिया, और ये जाती है मुलुंड से लेके पूरा हिम्मत नगर इडर तक, वडाली तक। देखो ये हम लोग का पार्सल जा रहा है, ये पार्सल चला गया तानिया में, और तानिया के मालिक देखे ये, तानिया के मालिक है। और देखिए अगर किसी को भी आप लोगों को मुंबई से गुजरात पार्सल वगैरह भेजना होता है ना, तो ये तानिया में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ से एकदम बजट में आपका पार्सल वहाँ पहुँचा देंगे, अहमदाबाद वगैरह हो गया, गुजरात हो गया, इधर हो गया, हिम्मत नगर हो गया। और देखिए ये बस है, अब यहाँ पे सब पार्सल ही जा रहे हैं, वो बस से हम लोग जा रहे हैं मलाड़गोरे गाँव। देखो ये है तानिया ट्रैवल्स, ट्रैफिक देखो ट्रैफिक। भाई अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ टिंडोसी मेट्रो स्टेशन, ऑलमोस्ट तो अपने सारे काम पड़ गए थे शाम में, फिर घर पे जाके वीडियो एडिटिंग करके वीडियो अपलोड करना था वो भी हो गया था, कुछ नाश्ता लेना है, फिर वहाँ से मलार जाना है जहाँ पे मेरी जीन्स कलेक्ट करना है, तो अभी मैं फिलहाल पठानवाड़ी आया हूँ। इधर आप देखिए ये पठानवाड़ी, और मैं अपने वीडियो में ना म्यूजिक वगैरह नहीं डालता हूँ, यहाँ पे कभी भी कोई भी निकलता है। पठानवाड़ी की सबसे फेमस बेकरी बताता हूँ, बेकर्स जोन, अगर पठानवाड़ी आए बेकर्स जोन नहीं गए तो फिर आए क्यों। भाई देखो ये पठानवाड़ी के सबसे ओल्डेस्ट बोटी वाले, ये भाई देख रहे ना, यहाँ पे बोटी है ये, फिर यहाँ पे बोटी है, खीरी है, ये सब है, फिर इसके बाद देखिए रोल भी है, रोल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बोटी बेस्ट है इनकी। तो भाई अभी रात में 10 बज गए, और मैं जैसा बताया था कि वहाँ से हमको जीन्स लेना है, तो अभी मैं मलाड वेस्ट जा रहा हूँ, तो अभी मलाड वेस्ट जाते भाई, कभी यहाँ का केक चेक करना, एडन का, तो सब कुछ बंद हो गया है। नटराज जो स्टोर में आया था ना वो खुली है। ये देखो ये स्टोर में आने का था, यहाँ पे साउंड आ रहा है। यो। भाई आ गए, देखो यहाँ से बैगी जीन्स लेना था, और देखिए स्टोर के अंदर है, और यहाँ पे ये इरफान है, 4 दिन छुट्टी करता है ये बाकी देखिए ये बैगी पड़ी है, अब इसको खोल के बताना मारू भाई। तो ये अब लेके यहाँ से चल देंगे। गाइस अभी मैं आया था यहाँ पे श्री देवी से चाय आ गई है, देखिए भाई यहाँ पे है श्री देवी की चाय, और इरफान भाई भी वही चाय पी रहे, और ये देखिए ये भाई मारो भाई इसमें पी रहे, और ये यहाँ की काफ़ी महंगी चाय है, और हमारी जो जींस है ना देखिए कोने में पड़ी हुई है, कल इसको लेके जाएंगे यहाँ से। देखो मैं इधर आया था ये M2 स्टोर में, और जो मैं बोला था ना वहाँ से जीन्स कलेक्ट करना है, तो लेकिन जीन्स आज नहीं लेंगे कल लेंगे, और फिर देखिए अभी ये जो आप चेक करें ना ये पूरा मलाड SP रोड है, और यहाँ से सामने आप देखेंगे पूरा मार्केट एरिया है। फिलहाल मैं हूँ मलाड वेस्ट में, और देखिए ये द मॉल, मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स जॉब किया था क्लोथ स्टोर में, और देखिए ये अभी तो क्लोज हो गया, और सामने MM है, तो MM का वड़ा पाव, तो गाइस एक्चुअली MM और सुरभि ये दो का वड़ा पाव सबसे बेस्ट होता है। अब देखिए MM भी बंद होने आया है, और देखिए ये जो है ना ये मेरे उमर भाई को बहुत पसंद है, ये चाचा के एक भाई क्या बेच रहे, बेल बेच रहे, देखिए मेहनत करना पड़ता है भाई। और ये MM मलाड आ रहे, और MM में नहीं गए तो फिर मलाड आए क्यों भाई, इधर आप चेक करो, और ये भी पूरा मार्केट एरिया है, और देखिए सामने है BMC मार्केट, लेडीज़ वगैरह की शॉपिंग करना है ना तो यहाँ पर आ जाना एक बार, ये आप चेक कर सकते हैं। अपना मलाड का काम पड़ गया, और अभी मैं जा रहा हूँ जोगेश्वरी, और अभी रात में कुछ 12:30 हो रहे जोगेश्वरी जा रहे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाने आए, यहाँ से पेट्रोल डला के जाएंगे सीधा जोगेश्वरी, और ज़रा ये चेक करो पेट्रोल पंप पे। और जोगेश्वरी में तो आपको मालूम है कि खाने पीने के लिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते, तो आज कुछ जाके मालपुआ वगैरह चेक करेंगे। हमारा गोरेगांव वेस्ट SP रोड, और अभी हम एंटर हो गए जोगेश्वरी में, और ज़रा ये देखें
यहाँ पे तो फिलहाल आज अंधेरा हो गया, लाइट बंद करके रखे। और ज़रा ये देखिए फिलहाल सब कुछ चालू है, ये अभी देखिए लाइन से शवर में आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर जोगेश्वरी में तुमने रात में नहीं आए तो फिर जोगेश्वरी आए क्यों? और देखिए ये पूरी जो देख रहे ना, पूरी खाओ गली है, ये कंप्लीट खाओ गली है। फिर यहाँ से हम लोग को यहाँ नहीं जाना है, हम लोग को जाना है आज जोगेश्वरी के फेमस मालपुए वाले के पास। भाई मैं आ गया हूँ बैराम बाग, देखिए यहाँ के क्रिस्पी, यहाँ का सीख और यहाँ का मालपुआ। तो देखिए जे में आ गए हम लोग, तो देखिए फिलहाल हम लोग यहाँ से मालपुआ ले रहे और अब भाई बनाएंगे मालपुआ। भाई देखिए इसमें अंडा रहता है और ये जलेबी। जोगेश्वरी आए और जेजे का मालपुआ नहीं खाए तो जोगेश्वरी आए क्यों? ये अब ये कटेगा तो जाएगी रबड़ी। ये रबड़ी लगा भी सकते, पार्सल भी ले सकते और ये चलेगी। तो जेजे से मालपुआ ले लिए और अभी सीधा घर पे जाएंगे। और देखिए ये जेजे का पूरा आप देख सकते हैं और ये रात में लेट नाइट भी ओपन रहता है, यानी 1-1.5-2 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये अभी रात में 1 बजे भी यहाँ पे इतना रश है और यहाँ पे हमेशा ऐसे ही रश होता है। और रमज़ान वगैरह में आएंगे तो यहाँ पे तो रात भर आपको ये ओपन मिलेगा। और देखिए ये यहाँ पे एक सीताफल क्रीम मिलती है जो हमारी इच्छा है कभी खाने की, लेकिन वहाँ पे भी पब्लिक बैठी। और देखो ये है लजीज। भाई 1 बज रहा है, कौन बोलेगा 1 बज रहा है। तो देखिए भाई रात के 1:16 हो रहे हैं और ये मालपुआ लेके अभी घर पे जाएंगे और वीडियो को यहीं पे एंड कर देंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं न्यू।